8 सीटों पर होने वाले मतदान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आपकी नजर से किस ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या बीजेपी मिशन 80 के आसपास आपको दिखाई पड़ रही है? आसपास का मेरा मतलब है 80 नहीं, लेकिन फिर भी क्या 70 के आसपास दिखाई पड़ रही है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, पहले चरण को लेकर के बहुत तरह के सवाल जवाब उठ रहे हैं। ऐसे में ये दूसरे चरण की 8 सीटें, जहां 2014 में बीजेपी 8 सीटें जीती थी, 2019 में सिर्फ एक अमरोहा आ रही थी, 2024 में इन 8 सीटों पर बीजेपी आपको कितनी मजबूत दिखाई पड़ रही है, या सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत दिखाई पड़ रहा है, या बसपा मजबूत दिखाई पड़ रही है, किस तरह की स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है? जी पंकज जी नमस्कार। देखिए पंकज जी, अगर हम लोग 14, 19 और फिर उसके बाद 24 के हिसाब से तुलना करें तो मुझे लगता है कि जो ये 8 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीटें कह सकते हैं आप चुनाव के हिसाब से, क्योंकि अगर 19 में हम अमरोहा को एक छोड़ दें तो 14 में भी 10 उनके 8 में 8 सीटें थी और 19 में भी अगर देखेंगे तो 7 सीटें थी। और इस बार अमरोहा का समीकरण आपको भी पता है कि दानिश अली पहले संयुक्त प्रत्याशी थी सपा और बसपा के, अब इस बार वो कांग्रेस में आ गए तो सीट कांग्रेस हो गई है, तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना है। और बाकी तो लगभग जितनी 8 सीटें हैं लगभग सारी सीटें बीजेपी की परंपरागत सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत सेफ कहा जा सकता है, चाहे वो आप गाजियाबाद ले लीजिए या आप गौतम बुद्ध नगर लीजिए, मेरठ ले लीजिए या बागपत में आपने देखा होगा कि जगर जयंत चौधरी के आने के बाद से वो बीजेपी को थोड़ी सी मजबूती और मिली है पहले के मुकाबले में। और जहां तक बात करी जाएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, चुनाव पर उनका उतना जोर दिखाई नहीं दे रहा है जैसे चुनाव इतना नजदीक आ चुका है और जैसे चुनाव में दिखना चाहिए। एक अपोजिशन के तौर पर, एक मजबूत तैयारी के तौर पर देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जहां तक बसपा की बात होती है तो बसपा इस बार जरूर वोट काटने की स्थिति में रहेगी, वो भी इंडिया गठबंधन के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि जब पिछली बार के चुनाव थे तो बसपा ने काफी मजबूती दिखाई थी और लगभग इधर की बहुत सारी सीटों पर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसमें अमरोहा शामिल थी क्योंकि वो बसपा के ही तब उस समय जीती हुई सीट थी। लेकिन जब अब के दौर में आप देखेंगे कि बीजेपी की तैयारियों में देखेंगे कि बीजेपी उसी चरण वाइज तैयारी कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो या आदित्यनाथ की रैली हो या अमित शाह की रैलियां हो, वो उसी सीक्वेंस में करते हुए जा रहे हैं जिस तरह से चुनाव आगे चरण में चल रहा है। लेकिन उससे इतर आप देखेंगे तो जो इंडिया गठबंधन है, एक तो चुनावी तैयारी में भी नहीं कुछ ऐसा मजबूती से दिखाई दे पाया, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बार बार मुद्दे होते थे वो चाहे जाट को लेकर के होते थे या किसानों को लेकर के होते थे, वो भी आज दिखाई नहीं दे रहा है उस तरीके से कि जो चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इस हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं कि बीजेपी के लिए बहुत सेफ ये 8 सीटें होने जा रही हैं और बीजेपी इसमें बहुत बेहतर करने वाली है, और यही चीज स्पष्टता से दिखाई दे रही है मुझे। पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, इस चुनाव में दो चीज अलग अलग दिख रहा है। एक बीजेपी के पक्ष में यह दिख रहा है कि रालोद राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ राजपूतों की टोली ने कई जगहों पर बीजेपी को नई वोट देने की अपील की है। इनफैक्ट कहा जाए तो राजपूतों का सम्मेलन हुआ है और उसमें बीजेपी को हराने की बात कही गई है। अगर आप इन दोनों लिहाज से बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को देखें तो आप बीजेपी को कहां पाते हैं? क्योंकि राजपूतों की नाराजगी सिर्फ मीटिंग तक सीमित है, आप या आप देख पा रहे हैं कि राजपूत वाकई बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में वोट करने वाले हैं? एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल जुड़ा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान राजपूतों का सम्मेलन बीजेपी के साथ करने जा रहा है। देखिए पंकज जी, ये चीजें तो निकल कर आई हैं कि बहुत सारे जगहों पर राजपूतों ने विरोध किया है, लेकिन विरोध में भी उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि विरोध भी कंफ्यूजन वाला है। बहुत सारे लोग उसमें बोल रहे हैं कि
योगी से हमारे कोई बैर नहीं है, प्रत्याशी को लेकर के किसी पर्टिकुलर प्रत्याशी को लेकर के उनके मन में भाव है, लेकिन साथ में आपने देखा होगा कहीं पर ऐसी ये आवाज नहीं आ रही है कि उसके इतर वो इंडिया गठबंधन के किसी आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको वोट देने जा रहे हैं। तो ये जो विरोध है वो चुनावी विरोध है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा विपक्षी पार्टियों के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी कहीं ना कहीं, हाँ उसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, बहुत सारे जगहों पे वोटिंग परसेंटेज कम हो सकते हैं, लोग पोलिंग बूथ पे नहीं जाएंगे, बहुत लोग जो हैं कि हम अगर इनको वोट नहीं देंगे तो विपक्ष को तो वोट डालने जाएंगे नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान मुझे इन 8 सीटों पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इस चीज में क्योंकि आदित्यनाथ को लेकर के उनके मन में जो भाव है वो बहुत सकारात्मक है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये उतना नुकसान देने वाला नहीं है कि जो हार जीत के अंतर में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही। हाँ चिंता का विषय है, हो सकता है आने वाले 2-3-4 दिन में इस पर बीजेपी कुछ मंथन कर रही होगी, कुछ अंदर से उनका काम चल रहा होगा, लेकिन ये नुकसान देने वाली कोई बात मुझे नहीं दिखाई देती। नहीं, पर मेरा सवाल राहुल लाल जी ये है कि नुकसानदायक क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए मेरठ में राजपूत 6% हैं और अगर वो वोट नहीं करते हैं तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा? मेरा सवाल ये है कि अमरोहा में राजपूत 8% हैं, अगर वो वोट नहीं करते हैं तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा? मेरा सवाल ये है कि बागपत के अगर जातिगत समीकरण को देखें तो राजपूत करीब 1,00,000 हैं, वो अगर वोट नहीं करते हैं, नहीं भी करते हैं, विरोध की बात छोड़ते हैं, तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा? क्या बीजेपी के लिए ये परेशान करने वाली बात है? मैं इसीलिए रुद्र जी आपसे ये सवाल पूछ रहा था, क्योंकि बीजेपी के लिए रालोद के साथ गठबंधन अच्छी बात जरूर है, बेहतर प्रोस्पेक्ट ला सकता है, वो आप कह सकते हैं कि सफल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ राजपूतों के तरफ से इस तरह का बयान आना क्या 8 सीटों पर नुकसान पहुंचा सकता है? राहुल लाल जी, मैं आप मेरा ये सवाल आपके सामने। पंकज जी, बिल्कुल रूप से नुकसान क्यों नहीं पहुंचाएगा? राजपूत वोटर्स एक तरह से सिरे सिरे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध वोटर्स में थे, और भूलना नहीं चाहिए, देखिये प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं और वहां पर भी नुकसान हुआ है। इस बात से मैं सहमत हूं कि कई लोग विरोध में वोट करने के लिए गए और कई लोगों ने वोट नहीं किया, वो घर में ही रहे, लेकिन नुकसान तो हुआ ही। और मैं तो अभी भी मान रहा हूं कि अगर जो प्रथम चरण के चुनाव का आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीटों से मैक्सिमम प्रथम चरण में भी कहीं से भी आगे नहीं जाते हुए दिख रही है। अब आ रहा हूं मैं दूसरे चरण के मामले पे लेके, जो आपका सवाल है, कहां से ये पूरा बुनियाद कहां से शुरू हुई थी राजपूत वोटर्स की नाराजगी का बुनियाद? वो इसी चरण में वो गाजियाबाद की सीट है जब जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया था, और जनरल वीके सिंह कितने मतों से जीते थे? माननीय प्रधानमंत्री जो बनारस में जीते थे उससे बहुत बड़ा ज्यादा मार्जिन से जनरल वीके सिंह जीते थे। यहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम में डॉली शर्मा, यहाँ पे आप सोच के देखिए कि उन्होंने अच्छा जनरल वीके सिंह का टिकट काटते तो फिर उसके बदले में किसी राजपूत को, राजपूत कैंडिडेट को टिकट दिया जाता? नहीं दिया गया। अतुल गर्ग को टिकट दे दिया गया। गाजियाबाद में हम लोग रह रहे हैं पंकज जी, गाजियाबाद में कोई चुनावी रंग नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरल वीके सिंह जो है कि वो जरूर जो है कि गाड़ियों में प्रधानमंत्री जी के साथ मदद करते हुए दिख रहे हैं, वो संगीत सोम वाला व्यवहार उन्होंने नहीं अपनाया है, लेकिन गाजियाबाद का चुनावी रंग 2019-2014 की तुलना में काफी फीका है और इसने स्थितियां बदल दी है। यहाँ पे बात मैं कह दू, मैं मेरठ से, मेरठ में गया हुआ और उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मेरठ में राजपूत वोट तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय में सुनीता वर्मा जी को टिकट दिया वहां पे, और जो गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो टीवी के राम के ऊपर काफी भारी पड़ रहा है। जो वहां पे मुस्लिम और दलित समीकरण देखे, 40% वोट मेरठ में मुस्लिमों के हैं, उसके बाद दलित एक सामान्य सीट पे दलित प्रत्याशी को उतारा गया है वहां पे, और जो वहां पे मायावती जी ने भी टिकट दिया वो देवव्रत त्यागी जी को टिकट दे दिया, त्यागी लोग पहले ही नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, वो भी वोट नहीं जा रहा है। पूरा समीकरण कहीं से भी आज के डेट तक में बीजेपी के लिए उपयुक्त नहीं दिख रहा है, जबकि पंकज जी 2009 से लगातार बीजेपी, राजन अग्रवाल जी लगातार जीत रहे थे 2009, 2014, 2019 लगातार जीतते हुए रहे, और तो ये परिस्थितियां मुझे मेरठ की नजर आ रही है। तो मेरठ में तो कोई किंतु परंतु की स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है। दूसरी चीज मैं कह दू, अमरोहा को लेके
हाँ, अमरोहा में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा किया है वहां पे, और जो तमाम परिस्थितियां बनी है वहां का मामला मैं मान रहा हूँ कि एक तरह से उलझा हुआ मामला है, और उस मामले में वो किधर जाएगा अभी 2-3 दिन हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा अमरोहा के संदर्भ में। लेकिन अगर मैं कह दूं बुलंदशहर का मामला, बुलंदशहर का मामला सीधे सीधे जो है जिस तरह से वहां पे मायावती जी ने टिकट दिया है वहां पे, और जो पूरा समीकरण बना है, क्योंकि नगीना में जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो पहले से ही बुलंदशहर में काफी मेहनत मशक्कत कर रहे थे, तो ये इस सीट पे बहुजन समाज पार्टी की मैं प्रबल दावेदारी देख पा रहा हूँ। और नोएडा सीट पे मैं सीधे सीधे देखिए गाजियाबाद में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है, नोएडा में कहीं कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, चूंकि वहां पे भी महेश शर्मा जी का भारी विरोध की स्थितियां थी वहां पे, और ये कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जो गठबंधन में कॉम्बिनेशन बनाया है वहां पे, वो कॉम्बिनेशन जमीन पे बिल्कुल उतरता हुआ दिख रहा है। उस जगह पे महेश शर्मा जी का जो विरोध था वहां पे राजपूत वोटर्स का विरोध, देखिए विरोध जब एक समुदाय विरोध करता है तो विरोध के मुहाने पे दूसरे कई सारे समुदाय भी खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि कई सारे जगह पे दूसरे दूसरे समुदायों की भी नाराजगी है, और वो नाराजगी बीजेपी से है, चूंकि केंद्र में सत्ता में वो है, राज्य की सत्ता में वो है बैठे हुए हैं। और अभी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो मैं मान रहा हूँ कि गाजियाबाद और नोएडा के संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी का भीतराघात, यहाँ पे देखिए मेरठ में भी हमने देखा कि जो मेरठ में प्रत्याशी है अरुण गोयल जी, उनका कार्यकर्ताओं के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि मेरठ की समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे, तो वो कहते हैं कि ठीक है पहले चुनाव जीत जाएंगे फिर देखेंगे कि मेरठ में कैसे जो है कि क्या समस्याओं को दूर करना है, तो उनके साथ कनेक्टिविटी कार्यकर्ता ही नहीं बना पा रहे। तो बीजेपी को जो लग रहा था कि वो राम लहर का लाभ मेरठ से लेंगे, मेरठ में टीवी के राम की स्थिति जो है कि वो फंसी हुई नजर आ रही है। तो इस मैं मानता हूं कि जैसे प्रथम चरण में, और ये द्वितीय चरण तो बीजेपी के लिए और भी मुझे घातक नजर आ रहा है पंकज जी, तमाम वो लोग जो ये विश्लेषण करते हैं कि पश्चिमी यूपी में कहां से क्या अनुपम जी, क्या अनुपम जी 2014 में एक भी सीट नहीं हारने वाली बीजेपी, 2019 में 8 में से एक अमरोहा हारने वाली बीजेपी, क्या 2024 में घातक स्थिति में, क्या बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है? सवाल ये उठ रहा है। और आखिरकार क्या जनता अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पीछे चल पड़ी है, या बहुजन समाजवादी पसंद आ गई है? जनता के सामने विकल्प क्या दिखाई पड़ रहा है, सवाल ये भी है। इसलिए आने वाले दूसरे चरण के 8 सीटों पर आप स्थितियां क्या देख पा रहे हैं? पंकज, मैं रुद्र प्रताप जी से एकदम पूरी तरह सहमत हूँ। इस हद तक इन 8 सीटों पर एक तरफा चुनाव है कि बोरिंग है, मतलब पहले चरण में तो फिर भी कुछ इंटरेस्ट था, ये तो एकदम बोरिंग लिमिट तक है। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा ये जनरल वीके सिंह पे, अब मेरठ की बात कर लें, अखिलेश यादव की रैली में लोग ही नहीं पहुंचे, इतना नाराज हुए कि अतुल प्रधान को अपने साथ लखनऊ ले गए, तो पहले वहां पे बरसे, मंच से बरसे, फिर अतुल प्रधान को ले गए लखनऊ। मायावती की आज रैली इतनी सक्सेसफुल रही वहां पर। अब आप बताएं, जिस मेरठ में 6 लाख मुसलमान और 3 लाख दलित हैं, जहां पे मुस्लिम वोट इतना कुछ तय करता है, एक भी मुस्लिम नेता नहीं खड़ा है, और मतलब और इस कदर डिवीजन ऑफ वोट आपको नजर आ रहा है, आप सोचे कि मायावती के साथ, मायावती हमेशा, बहुजन समाज पार्टी हमेशा मुस्लिम वोट के हवाले से नंबर 2 पे रह रही है। मुस्लिम वोट अभी भी पहले चरण में आपने देखा उनकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी। ऐसे में मेरठ लगातार आप देख लें, आप पुराना रिकॉर्ड देख लें, अभी आप देखिए ये राजपूतों की नाराजगी जनरल बीके सिंह के टिकट कटने से शुरुआत हुई। पहले चरण में जो देखने में आया कि मुश्किल से 10% ही राजपूतों का वोट भाजपा के खिलाफ नहीं गया। अब मान लें कि आप जो जहां से नाराजगी शुरू हुई गाजियाबाद से, गाजियाबाद का हाल ये है पंकज भाई, 1991 से आप देखें, पहले आप देखिए पिछली 3 बार से गाजियाबाद लोकसभा सीट है, उसके पहले ये हाफड़ों का हिस्सा होती थी। 91 में भाजपा जीता, 96 में भाजपा जीता, 98 में भाजपा जीता, 1999 में भाजपा जीता, फिर 2009 में भाजपा जीता, फिर 2014 भाजपा जीता, फिर 2019 में भाजपा जीता। पिछले 8 चुनाव में 7 चुनाव भाजपा ने जीते, 2004 का छोड़ दिया जाए जब कांग्रेस ने आज जीता, जब 2004 में कांग्रेस ने भाजपा को हरा के अटल बिहारी की सरकार को हराया था,
आप सोचिए पिछले 8 चुनाव में 7 चुनाव भाजपा ने जीती, ऐसा थोड़ी ना कि जनरल वीके सिंह के आने के बाद जीत गई, मतलब 8 में से 7 चुनाव बीजेपी, मतलब ये बीजेपी की सेफेस्ट सीट है भाई। वैसे भी आप नोएडा चले जाए, अब गाजियाबाद चले जाए, अब जरा वोट परसेंट उठा के देखें, 60%, 61%, 62%, कितना स्विंग आप देखते हैं। तीसरी बात, 2019 में जब सपा और बसपा दोनों एक तरफ थे, जब मुस्लिम वोटों का कोई विभाजन नहीं था, तब भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया इस क्षेत्र को। आप सोचिए, मतलब एक सीट हारे अमरोहा, और अमरोहा का हाल तो अभी राहुल बता रहे हैं कि वहां पे दो मुस्लिम कैंडिडेट हो गए। बाकी आप सोचिए कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ, मुस्लिम वोटों का कोई डिवीजन नहीं, दलित वोटों का कोई डिवीजन नहीं, पिछड़े वोटों का कोई डिवीजन नहीं, और भारतीय जनता पार्टी 51% की लड़ाई लड़ गई, सारी सीटें उसने स्वीप कर डाली। मुझे ये बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में दलित वोट है, हर सीट पे 2-3 लाख दलित वोट है, जो 2019 में महागठबंधन को मिला था, उसके बाद महागठबंधन हार गया, सारी सीटें हार गई। अभी 2024 में जब समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है और बसपा अलग लड़ रही है,